तो भाइयों अभी बज रहे हैं 8:30 और ये रही अपनी कार की कंडीशन। कम से कम 10 दिन से रखा हुआ है, पूरा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है लोगों ने। एक तो बाल्टी लेके आया, अभी धोते हैं और यहाँ चल रही है शादी। अभी देखो क्या क्या लिखा है, अब तो धो दो हमारी। तो धोते हैं, हाथ धोना है, कल सर्विस को ले जाते हैं। तो हमसे इतना ही धुला गया भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो पानी वानी मार के अभी यहाँ पे कर तो दिए और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि बैटरी नहीं थी। तो अपन ने मारे हैं धक्का मरवाया अभी दोस्तों से, रूममेट से, उनसे धक्का मार के चालू किया है। ये देखो उनके हाथों के निशान। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, कॉल स्टार्ट हो रही है। अभी थोड़ा चलाते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डालते हैं, कल के लिए रेडी करते हैं ताकि कल एक सेल स्टार्ट हो जाए। ट्राई करेंगे, बाकी अब देखते हैं। सी यू मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे, बज रहे सुबह के 10:10। अभी चल रहे हैं अपन शोरूम, यहाँ पे इंदौर में शायद एक ही टाटा का वर्कशॉप है। बाकी देखते एस्टिमेट क्या निकलता है, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। ब्रेक से आवाज़ आ रही है और कुछ कुछ चीज़ें बज रही है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। अब पता नहीं शायद वो ऐसी चलती हुई ऐसी है या फिर मेरे को ऐसा लगा थोड़ा पावर ड्रॉप लग रहा है। तो शायद अपन क्या बोलते हैं उसको, जो वॉल्व रहते जहाँ से एयर इनटेक जाती है उसको साफ करने लगाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देखते क्या कैसे क्या वहाँ पर एस्टिमेट बनता है और क्या क्या चीज़ें करने के लिए बोलते, क्या क्या चेंज होगी क्या नहीं। मैं आप इसको इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और टाटा का तो एक ही सर्विस सेंटर है शायद इंदौर में, मुझे तो एक ही दिख रहा है। यदि कोई दूसरा हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना। दोस्तों अभी आज सैटरडे है और आज ये लोग कह रहे हैं, मतलब यहाँ सर्विस सेंटर है तो आज तो नहीं हो पाएगी, बोले बुकिंग नहीं किए हैं। तो बुकिंग अपन ने आज डाले हैं, तो कल अपनी सर्विस है संडे के दिन, आज तो नहीं हो रही है। यहाँ से जाते हैं वापस घर, दोबारा कल मिलता हूँ इसी जगह पर। गुड मॉर्निंग गाइस, day 3 संडे, 9:45 बज रहा है। अभी चलते हैं डायरेक्ट शोरूम में। ऐसा लगता है कि मिस मार लिया कि पावर ले लिया, कभी कभी ऐसा लगता है। एकदम से एक्साइटेड हो गया, थोड़ा धीरे उठ। अरे इतना सर्विस का पार्ट है, अलग से होता है। और ऑटोमेटिक गियर गेट लॉक नहीं हो रहा, पहले होते रहे। तो पाउडर डला है वो कहीं सुबह हुए ना आए करके। बाकी ऑयल कौन सा डलता है इसमें, सिंथेटिक डलता है या फिर टूल पे भी। पावर लेने में टाइम लग रहा है। आपको बता दूं, इनने जो इस
एस्टिमेट निकाला है 9,000-9,020 रुपये का, उसमें उन्होंने लिया है इतना। हम तुमको दिखा दूँ, आपको दिख रहा हो तो पता नहीं, इसमें ये सर्विस चार्ज 1500 रुपये, ऑयल फिल्टर, ऑयल ऑयल फिल्टर कूलेंट 3000 रुपये, और क्या है ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं आ रहे तो उसका, और ये थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का लिया इनने कुछ 890 कुछ रुपए विदाउट टैक्स, और ये क्या है क्लीनिंग, अच्छा ये इंजेक्टर क्लीनर है 1300 कुछ रुपए का इंजेक्टर क्लीनर करा है, और ब्रेक लाइनर ड्रम 650, इंजन वेक्स मैंने कैंसिल करा दिया। ये क्या है एसी क्लीनिंग का 900 रुपए, इंटीरियर क्लीनिंग का 1050 बोले मैंने कैंसिल करा दिया, भाई मैं बाहर करा लूँगा। लगी हुई है और अपन जो है उनके वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, 4 बजे तक का टाइम दिया है, देखते कब तक बैठना होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से दिखती है, आखिर में अपडेट करते रहेंगे। अपनी गाड़ी लग गई है काम पर, भैया ने ले ली ली, सब देखते क्या क्या होता है। अपनी गाड़ी चढ़ गई ऊपर, चेक कर रहे ब्रेक वेक, सेमी सिंथेटिक डलता है क्या? हाँ। इसमें अपन सिंथेटिक भी डाल सकते हैं बाद में, मतलब इस अब सेमी सिंथेटिक अगली बार में सिंथेटिक डाल दो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नॉर्मली चलने दो ना, 15,000 से ऐसे तो गाड़ी चलती भी है, कम चलती है, और साल भर यदि हो जाता है तो चेंज तो पहले भी कर सकते हो। इसके जो है लाइनर पूरे चले गए हैं, कह रहे हैं तो ये बदलना। हिलता तो नहीं है ज़्यादा बोनट होना, ये टप्पर उप्पर हिलते तो नहीं है, एक बार देख लेना भैया लूज उस तरह। अभी जो अपनी गाड़ी वॉश हो रही है, टोटल बॉडी अभी क्लीन रखी है, बाकी सब कुछ हो गया है, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं ये लोग, वापस से टोटल बॉडी क्लीन करने के लिए चलेंगे। जो है अपना टोटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं कौन सी कैसे का टेक्निक कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, बाकी सब काम तो हो चुका है। कुछ कहते हैं कि इनके कुछ गैजेट लगाए हैं, इनसे कुछ शो कर रहे हैं, डायरेक्ट पता नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपन जब बजे बताइए निकाल के करते हैं, बट ये डायरेक्ट फीलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है इतना बड़ा पर्चा अपने को थमाया है, अब इसमें आप देख सकते हो कि एक मिनट फोकस एडजस्ट कर लूँ, हाँ ये पता नहीं लीवर 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 है, मैग्नेटिक प्रोटी कितनी की लगी है 1800 की, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर 179, कूलेंट 159, मैं मेजर मेजर जो मोटा मोटा जो खर्चा लगा है वही बता रहा हूँ अभी, ये जैसे 927 का क्या लगा है किट, शू किट पता नहीं क्या है, एक 1770 का मेजर सर्विस चार्ज, 737 का हीटर फ्लशर है, अच्छा फ्लेशर, फिर 967 का ये टोटल बॉडी क्लीन हुई है, 1062 का हुआ है ये, अच्छा एसी क्लीन कराया था ये है, 767 का है ये ब्रेक सेट क्लीन, क्या है पता नहीं, चेक रेयर ब्रेक लाइनर सेट रिप्लेसमेंट, अच्छा लाइनर पीछे का जो ब्रेक अपन ने चेंज किया वो है। तो मेरा टोटल बिल अमाउंट जो बना है इतना 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 इतना, इतना फोकस 9845, तो और इतना बड़ा पर्चा उन्होंने कमाया है, इतना बड़ा बिल बना के। अब मेरी तो मेजर सर्विस थी, मैंने फर्स्ट टाइम, मैं सेकंड हैंड कार लेने के बाद की मेरी फर्स्ट सर्विस थी मेरे हाथ से खुद, तो 9845 की मेरी सर्विस हुई है, जिसमें से GST बिल वगैरह ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये था बिल मेरी सर्विस। तो आई होप आप सभी को मेरे सर्विस जो मैंने पूरा दिखाया हो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने बिल पूरा आपके सामने रखा हो कि मैंने क्या क्या कराया क्या क्या नहीं कराया, इसके ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लगे आपको, लोग बोलते हैं कि 4,000-5,000 में सर्विस हो जाती है, मुझे नहीं पता क्या करवाते हैं वो लोग, मेरा तो भाई
दो चार क्लीनिंग करा लिया तो 4,000 रुपये बिल बन गया। तो मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या हो जाता है 3,000 रुपये 4,000 रुपये में सर्विस, बट मेरी तो इतनी लगी है लगभग 10,000 के आसपास मेजर सर्विस में। तो बस आज तक के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें अपने भाई को। जय हिंद जय भारत।